أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. ابواب بر یعنی نیکیاں اور بھلائیوں کی باتیں، یہ شروع ہوا تھا رکوع لیس البر ان تولوا وجوہکم سے، اب آگے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. اسلام میں عدالت اور انصاف کا بڑا نظام ہے. اسلامی ملک میں امن و امان ہونا چاہیے. چوری، ڈاکہ، لوٹ، کھسوٹ، قتل و غارت گری، شراب خوری، جوا، ان تمام چیزوں سے مسلم سماج اور مسلمان مملکت بچ کر رہے، آرام سے زندگی گزارے، یہ مسلمان حکمران کو دیکھنے کا اپنا فریضہ ہے. پھر بھی اگر کوئی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اور انصاف کے تقاضے آتے ہیں تو قاضی انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا، اور معاملہ اسلامی عدالت اور کورٹ میں جائے گا، اور حق والے کو اس کا حق دلایا جائے گا، اور ناحق کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا. آج کی آیات میں پہلے تو قصاص کا مسئلہ بیان کیا ہے. قصاص برابری کرنے کو کہتے ہیں.
इस्लामी मुल्क में और एक मुसलमान के जिम्मे है कि दूसरे मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू को पामाल न करे बल्कि उसकी जान का उसके माल का एहतराम करे और वो जाय होने से बचाए। किसास किसको कहते हैं? जब एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को नाहक मार डाला, ऐसा धारदार आला इस्तेमाल किया जो अक्सर मार डालने के लिए इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल किया जिसकी वजह से सामने वाले की मौत हो गई। तो मामला काजी की अदालत में जाएगा और काजी यह फैसला करेगा कि वाकई इस आदमी ने नाहक खून किया है। जब यह साबित हुआ कि जानबूझकर और बिल इरादा इसने सामने वाले को कत्ल किया है तो अब पहला काम यह है कि कातिल को मक्तूल के वरसा कत्ल करेंगे। बज़ाहिर ये मुश्किल हुक्म है लेकिन जब सामने वाले ने अपने भाई को कत्ल कर डाला और पासो लिहाज उसकी जान का नहीं किया तो उसका बदला मिलना चाहिए। अगर ये बदला मिलेगा और कातिल को सजा दी जाएगी तो दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करेंगे और कत्ल का सिलसिला जो आज दुनिया में बिल्कुल आम हो चुका है, कोई किसी को मारता है, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, लड़का अपने बाप को, माँ को, बहनों को, रोजाना अखबार के अंदर कत्ल की वारदातें आती ही रहती है लेकिन कोई इंसाफ मिलता नहीं है, अरसे दराज गुजर जाता है। इस्लाम में बहुत तेजी के साथ इंसाफ किया है, गवाह मिल जाएं, चश्मदीद साबित हो जाए तो पहला हुक्म यह है कि कातिल को कत्ल कर दिया जाएगा। कातिल ने किसी तरह से भी कत्ल किया हो, कातिल को तलवार से कत्ल किया जाएगा। ला कवद इल्ला बिसैफ, तिर्मिजी की रिवायत। इस्लाम ने तो यह आसानी रखी है। बनी इसराइल में कत्ल का बदला कत्ल है, अन्नफ्स बिन्नफ्स। दूसरा कोई ऑप्शन उन लोगों के यहां नहीं था लेकिन इस्लाम में तीन ऑप्शन दिए। पहला तो यह है कि मक्तूल यानी जो कत्ल हो गया उसके रिश्तेदार भाई हैं, बाप हैं, बेटा हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं बस हमको तो बदला ही चाहिए अपने बाप या भाई के कत्ल का, तो कातिल को कत्ल किया जाएगा। ये पहला हुक्म। नंबर दो, अगर कत्ल होने वाले के वरसा और रिश्तेदार मान जाते हैं कि भाई हमको बदले में कातिल को कत्ल नहीं करना है तो उसकी दूसरी शक्ल यह है कि दियत वसूल की जाएगी और एक कत्ल की दियत 100 ऊंट है या 10,000 दराहिम है। ये 3 साल के अंदर बिल किस्त अदा किया जाएगा।
क्योंकि सामने वाला आदमी जो मारा गया उसके घर वाले बेसहारा हो गए। अब उनके घर का गुजरान कैसे चलेगा, बच्चों का पेट कैसे भरेगा, उनकी परवरिश कैसे होगी। कातिल ने इस आदमी को मारकर घर वालों को बेसहारा कर दिया, तो इस्लाम ने सहारा दिया कि 100 ऊंट धीरे धीरे करके चुकाना है। और ऊंट महंगा जानवर है, अरब में ऊंट महंगा जानवर मांगा है। अब ये 100 ऊंट सब बिरादरी मिलकर चुकाए तो अच्छा है, और कोई ना चुका सका तो कातिल को चुकाना पड़ेगा। ये दूसरा ऑप्शन है। ये ऑप्शन अच्छा है, इसमें कातिल की जान भी बच जाती है और मक्तूल के घर वालों को बदला और पैसा और मदद भी मिल जाती है। और जो जाने वाला है वो तो चला गया, वो तो अब लौट कर आ नहीं सकता। तो इस तरह से उसकी सामाजिक हेल्प की जाए। तीसरा ऑप्शन भी बड़ा प्यारा है कि जो आदमी कत्ल हो गया उसके रिश्तेदार इतना बड़ा दिल करें कि कातिल को माफ कर दें, जाओ हमने कत्ल को माफ कर दिया। हदीस शरीफ में एक वाकया आता है, ग़ज़वे उहद के मौके पर हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद हजरत यमान पूरा बख्तर पहनकर मुसलमानों की तरफ से लड़ने के लिए उतरे थे। जब भगदड़ मची और मुसलमान काफिरीन पर टूट पड़े तो हजरत यमान पीछे रह गए। शैतान इंसान की शक्ल में आया और पुकारा, उखराकुम उखराकुम, तुम्हारे पीछे भी एक दुश्मन है, उसको देखो, उसको पकड़ो, उसको कत्ल करो। सहाबा उन पर टूट पड़े। हजरत हुज़ैफा बहुत चिल्लाए कि मेरे अब्बा हैं, भाई मत कत्ल करो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन मुसलमान जोश में थे, उनको शहीद कर डाला, उनको तो शहादत का दर्जा मिल गया। लेकिन इस्लामी एतबार से चूंकि पूरे जत्थे ने मिलकर शहीद किया था, इसलिए क़िसास तो नहीं ले सकते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप अपने अब्बाजान की दियत हमसे ले लीजिए। तो हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दियत भी माफ कर दी और कभी इसका तस्करा भी नहीं किया। तो देखिए, दियत भी माफ की। अल्लाह ताला यहां कातिल को एक नसीहत कर रहे हैं और मक्तूल के वरासा को कत्ल न करने की तरगीब दे रहे हैं कि अगर तुम माफ कर दो उसके कत्ल के बदले में कत्ल करने को, तो वो एक तुम्हारा एक भाई है जो अब कत्ल हो जाएगा, वो भी तो भाई है ना, मुसलमान है, भाई है, तो मत कत्ल करो उसको, बल्कि दियत के जरिए से उसकी जान बचा लो। और मक्तूल के वरसा को यह कहा कि जब तुमको दियत रिश्तेदार होने के नाते से, बीवी होने के नाते से, बच्चे होने के नाते से मिल जाए, तो फिर पीछे से वो कातिल को मार डालने का प्लान मत बनाना।
कभी ऐसा भी होता है कि दियत के पैसे भी ले लिए और किसी को सुपारी दे दिया कि इसको टपका दो। फरमाया ऐसा मत करना, वो भी तुम्हारा भाई है। अब तुम हक पर कायम रहना, अल्लाह ने तुमको माल दिलवा दिया या तुमने माफ कर दिया तो बड़ा काम किया, लेकिन अब धोखा नहीं होना चाहिए। इस्लाम के अंदर धोखा देना भी जायज नहीं है और धोखा खाना भी अच्छा नहीं है। मुसलमानों की सिफत यह है कि वो धोखा देते नहीं है, और मुसलमानों की सिफत यह है कि वो धोखा खाते भी नहीं है। धोखा न देना ये तो इस्लामी फराइज में से है और समझ में आने वाली बात है। एक सहाबी थे, उनको तिजारत का बिजनेस का बहुत शौक था। बिजनेस के बगैर वो रह ही नहीं सकते थे। उनको खुलबुलाहट होती थी कि मैं बाजार जाऊं और बिजनेस करूं। बाद लोगों को अल्लाह ताला ने मिजाज दिया बिजनेस करने का। हमारे कारी इस्माइल साहब बिजनेस करते हैं, तो तिजारत तो मसनून है। लेकिन वो सहाबी का आलम ये था कि वो जरा भोले भाले ज्यादा थे, जरूरत से ज्यादा भोला होना भी अच्छा नहीं है। वो भोले भाले थे, तिजारत के अंदर हमेशा खोट खा जाते। 100 रुपए की चीज कितने की ली, कितने में दे दी, खोट करके आ जाते थे। नुकसान करते थे तो घर वालों ने हुजूर से शिकायत कि अल्लाह के रसूल इनकी तिजारत को आप रोक दीजिए, रोजाना खोट खाते हैं। हुजूर ने उनको बुलाया कि भाई ये बात सही है। कहा सही है, तिजारत बंद करो। कहा हुजूर ये नहीं होगा, मैं तिजारत तो करूंगा। तो तुम रोजाना खोट खाते हो, उसके लिए क्या तरीका इख्तियार करोगे? जो खरीदने वाले थे वो उनको बना जाते थे, क्या वस्तु आटला नहीं रहती ना, तुम इटला में बेच सके जा कम मिले। यूं उनको जो है कारोबार में खोट जाती थी, घर वालों को नुकसान होता था। तो घर वालों ने हुजूर से शिकायत की, उन्होंने कहा मैं तो तिजारत तो हुजूर करे बगैर रह ही नहीं सकता, मेरे मिजाज के अंदर तिजारत दाखिल हो गई। तो हुजूर ने कहा जब सौदा हो जाए तो एक जुमला कहना, ला खिलाबा, न धोखा दो न धोखा खाओ। ये ऐलान कर देना तिजारत के बाद कि मुश्तरी यानी खरीदने वाले तुमको चकमा न दे जाएं, और तुम भी धोखा मत देना। तुम तो धोखा करते ही नहीं हो, लेकिन सामने वाले तुमको धोखा जो है दे जाते हैं। ये बात तो यहां बता दी, एक मसला खत्म हुआ। अब किसास के अंदर जान जानी है। पहले नंबर पर तो किसास में बदले के अंदर खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल, नफ्स का बदला नफ्स। एक आदमी ने दूसरे को मार डाला तो बदले में इसको मार डाला जाएगा, तो दो कत्ल हो गए, दो आदमी की जान चली गई। तो किसास पर शायद किसी को एतराज हो, वो एतराज दफा करने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि किसास में बजाहिर सामने वाले को मारना है जो मौत है, लेकिन हकीकत में ये हयात का सामान है। अब ये हयात का सामान कैसे हुआ? किसास में तो कत्ल करेंगे, खून हो जाएगा सामने वाले का, वो मर जाएगा, दुनिया से नापैद हो जाएगा, चला जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो उसको हयात कैसे कहा? फरमाते हैं एक आदमी ने नाहक दूसरे का कत्ल किया और बदले में हमने उसको कत्ल किया, तो इसका नतीजा ये होगा कि जब सामने लोग देखेंगे कि कत्ल करने के नतीजे में कत्ल कर दिया जाता है, तो लोग कत्ल से रुक जाएंगे और समाज के अंदर चैन शांति अमन अमान होगा।
अरबी मुमालक के अंदर कत्लो गारत गरी नहीं है। रात को दरवाजा खोल कर सो जाओ, औरतें जेवरात पहन कर बाहर निकले, कोई छेड़ने वाला, कोई उंगली लगाने वाला नहीं, क्योंकि उसको सजा मालूम है कि हाथ कट जाएगा। किसी औरत को छेड़ने वाला नहीं मिलता। यहां नौजवान छेड़ने के लिए मुस्तकिल बाहर निकलता है, छेड़छाड़ करता है लड़कियों की, और हमारे यहां अखबार में रोजाना आता है चैन स्नेचर, यानी चलती हुई औरत के गले में उंगली डाली, उसकी गाड़ी आगे बढ़ गई, चैन सोने की इसके हाथ में आ गई। यहां ये चोरा चोरी और लूट खसोट का बाजार गर्म है, क्योंकि इंसाफ नहीं है, और इंसाफ है तो भी इतना देर से है कि मुजरिम को मालूम है कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है। कत्ल भी कर देते हैं तो समझते हैं कि छूट जाएंगे, एक दिन बेल मिल जाएगी, छूट जाएंगे। अभी मसला पेश आया बेचारे वो बंबई वाले का, वो ड्रग लेता था, ड्रग हेरोइन हशीश और ब्राउन सुगर और ये सब, कितनी गंदी आदत है। जवानों को ये चीजों से बचना है, ये इंसान की और जवान की जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर डालने वाली चीज है। करोड़ों पति बाप का बेटा और ड्रग में लगा है, नशे करता है, क्या तरबियत की थी माँ बाप ने? करोड़ों के घर में रहता था तो माँ बाप ने क्या तरबियत की? माँ बाप क्या तरबियत करेंगे? माँ बाप खुद दुनिया को वरगलाने में और गलत बातें बताने में और जवानों को बिगाड़ने में लगे हैं, वो क्या अपनी औलाद की तरबियत करेंगे और वो क्या संभालेंगे? अब बाप गमगीन है, माँ रो रही है, वो तो नाफरमान बेटे के लिए भी माँ बाप तो रोते हैं। नाम भी ऐसा कि इसको ना मुसलमान कहें कि काफिर कहें। उसके लिए हमारे नौजवान बेचैन हो गए, उसको जेल में से छोड़ा तो खुशियां मनाई। अरे मेरे हजरत खुबैब गिरफ्तार हुए तुमको रोना नहीं आया? हजरत जैद इब्ने दसेना गिरफ्तार हुए तो रोना नहीं आया? बिलाल को इतना मारा तो रोना नहीं आया? और उसको चंद दिन कैदखाने में गुनहगार और मुजरिम और गुंडा है उसको डाला कैदखाने में, तो अच्छा किया था ना? अब वो निकला तो खुशियां मनाए। गुनाहगार के निकलने पे खुशियां काय की मनानी है? उसको दो तमाचे लगाने चाहिए बाप को, शर्म नहीं आती? मेरे घर में लेकर इस्लाम को बदनाम कर रहा है, ड्रग लेना नशा करना हराम है, हराम काम के अंदर मुब्तला हुआ, मकान सजाया और ढोल बजाए और नक्कारे बजाए, दुनिया कहां जा रही है आप देखिए जरा। याद रखो नौजवानों, जरा भी इसकी बात मत करना और जरा भी इसकी तरफदारी मत करना, और जरा भी वो बंबई वाले रंडवे की जरा भी फेवर मत करना। ये लोग हमारे नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, और अगर होते तो इस तरह से इस्लाम बदनाम ना होता जैसा कि उन्होंने इसको बदनाम करके रख दिया। फरमाया वलकुम फिल किसास हयात, किसास पे क्या एतराज करते हो? तुम्हारी जिंदगियां देखो। दिल्ली में निर्भया वाला वाकया पेश आया था, नौजवान लड़की को कई नौजवानों ने बेपर्दगी की वजह से मिलकर रैप किया। रैप करने के बाद उसका इतना बुरा हाल हुआ कि बिचारी वो ये सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी, मर गई। तो दिल्ली में औरतों ने जुलूस निकाला और जुलूस के अंदर बैनर लगाया कि तुम्हारे कानून में दम होता तो हमारी लड़की मारी न जाती, अगर कानून में दम है तो इस्लाम के कानून में दम है, उसको ला के रखो और सजाएं दो मुजरिमों को। मजाल है कि दूसरी मर्तबा कोई देखने वाला औरत की तरफ नजर उठा कर देख। इस्लाम ने औरत को महफूज कर दिया है, उसे हया अता फरमाई है,
उसे पर्दा दिया है, उसे बुर्का दिया है, उसे चादर दी है, उसे दुपट्टा दिया है, उसे ओढ़ना दिया है, उसकी हया का ख्याल रखा है, उसकी जिंदगी का ख्याल रखा है, उस पर कोई उंगली ना उठाए, इस्लाम की ऐसी तालीम है। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे इस्लामी ममलकत में और इस्लामी हुकूमत में एक ऐसा दौर आएगा कि एक औरत अपना सामान लेकर हियारा से सनआ तक और मक्के तक उम्रा करने के लिए अकेली आएगी और कोई इसकी जान को और इसके माल को और इसकी इज्जतों को खतरा नहीं होगा। ये इस्लामी हुकूमत है, ये इस्लामी ममलकत का आलम है जहां जाने भी महफूज हैं और माल भी महफूज है। ये एक मसला खत्म हो गया, दूसरा मसला शुरू कर रहे हैं अबवाबुल बेर में। अभी इस्लाम में मीरास के अहकाम आ गए। कुरान करीम में चौथे पारे के अंदर आयतुल मीरास, उसमें बेटे के इंतकाल पर बाप को क्या मिलेगा, औरत के इंतकाल पर शौहर को क्या मिलेगा, शौहर के इंतकाल पर औरत को क्या मिलेगा, बाप के इंतकाल पर बेटों को, बेटियों को, बीवी को क्या मिलेगा, सब पूरी फहरिस्त जो है वो बयान की है। इस आयत का नाम ही आयतुल मीरास। पहले क्या था, जब ये आयत नहीं उतरी थी, जमाने जाहिलियत चल रहा था, तो जब घर का कोई बड़ा मुखी मर जाता, मसलन शौहर घर में बड़ा है, कमाता है, लाता है, खिलाता है, सबका ख्याल रखता है, अगर उसका इंतकाल हो जाता तो घर में जो बड़ा आदमी होता वो पूरे माल के ऊपर कब्जा कर देता, यहां तक कि औरत के ऊपर भी कब्जा कर लेता, मरनार की बीवी के ऊपर भी कब्जा करके उसको बांदी बना देता था और घर में नौकरानी की तरह रखता था और शादी भी नहीं होने देता था, और माल जितना भी होता था सब हड़प कर जाता था। अब मरनार के वालिदैन भी हैं, मरनार की बीवी भी है, मरनार की बच्चियां भी है, किसी को कुछ नहीं मिलता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो करीबुल मर्ग, जिनको ख्याल है कि अब मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा, वैसे आदमी को अपनी जिंदगी के अंदर जो मीरास है उसका कागज तैयार करके रख देना चाहिए और जो वसाया है वो करके रख देनी चाहिए, और इसके तकिए के नीचे ये वसीयतें और ये मीरास का तरका जो है उसकी तकसीम का कागज मौजूद होना चाहिए, ताकि इसके जाने के बाद क्या क्या माल है इसका और क्या क्या जायदाद है वो सही माना में तकसीम होकर हकदारों तक पहुंच जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगरचे ये आयत आयतुल मीरास के बाद जो है मनसूख हो चुकी है, लेकिन तिलावत इसकी जारी है अभी। करीबी रिश्तेदारों के लिए जिनका मीरास के अंदर हिस्सा बनता है और वो जालिम उसके ऊपर काबिज हो गए, मरने से पहले करीबुल मर्ग जो है वो वसीयत करके जाए कि भाई मेरी बीवी को इतना देना, मेरे अब्बा को इतना देना, मेरी बहन को इतना देना, मेरी वालदा को इतना देना। अब क्या है, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहला काम यह है कि उसके माल के अंदर से नहलाने का, कफन का और दफन का खर्चा निकाला जाएगा। ये पहला काम। नंबर दो,
बाद में मरनार का कर्जा देखा जाएगा कि कितना कर्ज छोड़कर मरा है। कर्जे का कैलकुलेशन करके जितने कर्ज खां हैं उनको कर्जा चुका दिया जाएगा। कर्जे का मामला बड़ा अहम है। मस्जिद नबी में जनाजा आता मुसलमान सहाबी का, तो हुजूर पहले पूछते भाई ये कर्जदार होकर मरा है? तो कहते हाँ कर्जदार होकर मरा है। हुजूर फरमाते मैं इसकी सलाते जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, कर्जदार की जनाजे की नमाज मैं नहीं पढ़ाता, सल्लू अला साहिबकुम तुम पढ़ लो। फिर अगर मजमे में से कोई आदमी खड़ा हो जाता और कहता हुजूर इसका जितना कर्जा है मैं चुका दूंगा, तो हुजूर नमाज पढ़ाता। आखिरी जमाने में बैतुल माल कायम हुआ, मुसलमानों का फंड कायम हुआ। अब हुजूर हर एक की नमाज पढ़ाते थे और फरमाते थे मरनार ने कोई कर्जा छोड़ा हो तो हमको बताया जाए, हम उसकी एक एक पाई कर्जदारों को चुका देंगे। अब नमाज पढ़ाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दूसरे नंबर पर मरनार के कर्जे चुकाए जाएंगे उसके माल में। तीसरे नंबर पर 1/3 ऑफ द वेल्थ यानी एक तिहाई माल का जो हिस्सा है उसमें अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की है तो वो एक तिहाई माल वसीयत में दिया जाएगा। बड़े अहम मसाइल हैं ये जिस पर हमारी नजर नहीं। और नंबर 4, अब जो माल बच गया है वो माल रिश्तेदारों के दरमियान जो शरीयत ने फैसला किया है उसके मुताबिक अदा किया जाए। अब जिन लोगों के सामने वसीयत की थी उसने, ये पहले की बात है कि वसीयत की थी, वो वसीयत जिन लोगों को की है वो अपने किसी मालदार मिलने वाले को तरजीह देकर जो गरीब है उसको पीछे न डालें, ये गदरफूती न करें, ये आखिरी आयत के अंदर फरमाया है। और माल के अंदर इस्लाम का ख्याल रखें और माल के हुकूक जो अदा करना है वो अदा किए जाएं। तो एक तरफ जान की बात कही आज, दूसरी तरफ माल की बात कही, ये दोनों आयतों में जोड़ हो गया। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान करीम की फहम नसीब फरमाए, समझने की तौफीक अता। अब थोड़ी देर के लिए जिक्र करेंगे। यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, तुझसे फकत मुझको मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं, हर दम जिक्र व फिक्र में तेरी मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का तेरा मगर होशियार रहूं, अब तो रहे बस तदमे आखिर विर्द जुबाए मेरे इला ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين. دو منٹ کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور دھیان میں بیٹھ جانے کا نام ہے. آنکھیں بند کر لی جائے اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکا لیا جائے اور ایک ہی تصور لگاتار جاری رکھا جائے, اللہ کی رحمت برس رہی ہے میرے دل پر اتر رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کر رہا. اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو, غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو, اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد. عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں, عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم, کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. مراقبہ کرے تو سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا اور آنکھیں بند کی ایک دن ایسا آئے گا
कि जब लोग मेरी आंख बंद कर देंगे मैं बेसहारा बेचारा चलने से भी दरमांदा हो जाऊंगा। لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عين على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری معصیات کو دور فرما اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما اس کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما صراط مستقیم عطا فرما اے اللہ تیری چاہی زندگی عطا فرما تیری رضا دائمی عطا فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اے اللہ معصیات سے ہماری حفاظت فرما لے نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت کا شیدائی بنا دے ذکر اللہ کا عاشق بنا دے اے اللہ تیری یادوں والی زندگی ہمیں عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو ماں بہنیں تشریف لائی ہیں اللہ ان کو بھی قرآن سمجھا دے دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم انہیں بھی عطا فرما اور اللہ گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی انہیں توفیق عطا فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین